सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल फोरेंसिक्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में, जो कि है अंडरस्टैंडिंग फाइल सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग फाइल सिस्टम का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव कैसे काम करती है, सॉलिड SSD जो है वो कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, फाइल सिस्टम एलोकेशन क्या होता है, इसके अलावा दोस्तों MBR GPT क्या है, ये बहुत सारे सवाल है जो आपको जानने चाहिए। और जब आप डिजिटल फोरेंसिक्स में आगे बढ़ेंगे तो जो हार्ड डिस्क है वो हमारे मेन पार्ट होता है, मतलब मेन सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब वहीं से ही आपको सारा चीज रिकवर करनी पड़ेगी। तो जो डिजिटल फोरेंसिक्स का मेन काम होता है वो हार्ड डिस्क के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस थ्योरी का या फिर इस कोर्स का जो है वो यही है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो पॉज करके वापस चला के वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को समझाने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और अगर दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं नया और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो दोस्तों प्लीज कृपया करके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मैं आज आपको ले चलता हूँ अपने PPT के ऊपर, और PPT के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो फाइल सिस्टम है वो काम करता है। चलिए इस PPT पे अपन आ गए, ठीक है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले बात है कि अपन सबसे पहले समझेंगे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो क्या है क्या, ठीक है। पहले इसको समझेंगे, देन उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, देन इसके बाद इसके काम करने के तरीके को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग हार्ड डिस्क ड्राइव। तो SSD इज ए नॉन वोलेटाइल डिजिटल डेटा स्टोरेज। दोस्तों SSD इज ए नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? जो कि स्टोर होता हो, ठीक है, जो रीड किया जा सकता हो, जो राइट किया जा सकता हो या फिर जो मॉडिफाई किया जा सकता हो, ठीक है। बाकी जो रैम के अंदर चलता है, जैसे मान लीजिए रैम के अंदर कोई फिल्म चल रही है, क्या आप उसको रीड कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बट जो चल रही है फिल्म उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, जो स्टोरेज है वहां पे कर सकते हैं, क्लियर। जैसे कि आपके DRAM और कैश मेमोरी में जो चीजें चलती है, जैसे आप ताजा कुछ काम कर रहे हैं, मॉनिटर पे जो चल रहा है, क्या आप वापस जब कंप्यूटर बंद होगा तब वापस आप उसको खोल सकते हैं क्या? एज इट इज सेम नहीं, नए सिरे से खोलना पड़ेगा। तो ये वोलेटाइल हो गया, ये हो गया नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो मूवेबल किया जा सकता हो, जो कि ट्रांसफर किया जा सकता हो, जो स्टोर किया जा सकता हो, है ना, जो हमें दिखता हो, उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो यहां पर दिया गया है कि SSD इज ए नॉन वोलेटाइल डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, इसमें आप काफी सारी अपनी मूवीज, इमेजेस, डेटा, सारा सब कुछ स्टोर करते हो, क्लियर। दैट रिकॉर्ड्स डेटा मैग्नेटिकली ऑन ए मेटेलिक प्लेटर। तो दोस्तों जो रिकॉर्ड होता है ये मैग्नेटिकली रिकॉर्ड होता है प्लेटर के फॉर्म में। प्लेटर क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद में समझेंगे, बट समझिए ये बोल रहा है रिकॉर्ड डेटा मैग्नेटिकली, मतलब मैग्नेट के फॉर्म में डेटा आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और ये मैग्नेट कहाँ लगा होता है? मैग्नेट लगा होता है प्लेटर पे। प्लेटर क्या होता है इसको थोड़ी देर में अपन समझने वाले हैं। फिर बात आता है दैट रीड राइट परफॉर्मेंस। रीड राइट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे होता है, जो कि एक्चुएटर आर्म की तरह होता है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन SSD इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द RPM। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। जो परमानेंट रिवोल्यूशन चेंज होता रहता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं RPM। ऑन द ड्राइव प्लेटर, जो प्लेटर होता है, जो डिस्क होती है, आगे समझेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो RPM होता है वो प्रोपोर्शन होता है। इसको थोड़े से और अपन आसानी से समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, देन इसके बाद में, ठीक है। उसके बाद SSD कंटेंस मूविंग पार्ट्स। इसका मतलब है कि ये मूविंग पार्ट्स होता है, आप मूव कर सकते हो इधर उधर, ठीक है, आप अपने फाइल को मूव करा सकते हो। इट इज ए सस्पेक्टेबल टू फिजिकल डैमेज। अगर मान लीजिए फिजिकल डैमेज हो जाता है, एंड द मूविंग पार्ट्स वियर आउट ओवर द टाइम, तो जिसको मूविंग पार्ट्स है वो कभी भी आप खोल सकते हो, आप इसको डैमेज को रिकवर कर सकते हो, डेटा को वापस ले सकते हो, किसी भी तरीके से वापस फॉर्म में पा सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको ये जो पोर्शन है वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो ये है दोस्तों, इस तरह की कोई हार्ड डिस्क होती है। देखो ये आपने हार्ड डिस्क देखा होगी, इसके अंदर का पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं, सबसे पहले मैं जम्पर के बारे में बता दूं। जम्पर क्या होता है? तो जम्पर यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो मदरबोर्ड होता है, जो हमारा साटा कनेक्टर होता है, ये जो हमारा साटा कनेक्टर है, ठीक है, ये हमारे मदरबोर्ड में लगाया जाता है। एक तो यहाँ पर लगता है, एक मदरबोर्ड में लगता है। एक जो हमारे पावर कनेक्टर होता है, पावर कनेक्टर का मतलब एक तो यहाँ पे लगता है, एक लगता है SMPS में, ठीक है।
जहां से बिजली जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती है वो, क्योंकि इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है वो यहाँ होती है। और एक जम्पर, जम्पर का मतलब है यहां लगता है एक, और एक मदरबोर्ड के अंदर लगता है, ठीक है। तो ये चीज है जम्पर, साटा कनेक्टर एंड पावर कनेक्टर। वैसे तो पावर कनेक्टर और साटा कनेक्टर ये दो ही चीजें वैसे काम आती, जम्पर कभी काम आता है कभी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्चुएटर। तो देखो दोस्तों, ये एक्चुएटर होता है, इसके बारे में थोड़ी देर समझेंगे। एक्चुएटर एक्सेस होता है ये, ठीक है। ये जो एक्चुएटर एक्सेस होता है, बिल्कुल क्लियर तो फॉर्मेट नहीं, बट आपको कुछ दिख रहा होगा। एक्चुएटर आर्म, ये हमारे काम की चीज है। तो एक्चुएटर आर्म होता है, ये होता है यहाँ पर, जो कि मूवेबल होता है, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। स्प्लेंडर होता है, ये स्प्लेंडर यहाँ पे होता है, ठीक है। एक होता है प्लेटर, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हार्ड डिस्क का, वो होता है प्लेटर्स। प्लेटर्स क्या होता है, ये जो गोल्ड डिस्क दिखाई दे रही है ना, इस डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोरेज होता है वो प्लेटर के फॉर्म में होता है। और ये होगा रीड राइट, ठीक है। ये जो रीड राइट हेड है, ये रहा, ये जो रीड राइट हेड जो मैंने पहले बारे में बात करी, ये रीड राइट हेड होता है। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। ये जो प्लेटर है, ये ही हमारा काम की चीज है, डिस्क। एक तो ये हमारे काम की चीज है प्लेटर, एक रीड राइट काम की चीज है, और एक होता है एक्चुएटर आर्म। ये दो हमारे काम की चीज, ये तीन हमारे काम की चीज है, ठीक है। बाकी चाहे भले ही आपके काम की हो ना हो, लेकिन ये तीन हमारे काम की चीज है। और ये स्प्लेंडर भी हमारे काम आता है। तो एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहां पर मैं चलता हूं अपने यहां पर, ठीक है, नोट पेड में। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे देखिए, मान लीजिए ये डिस्क है, ठीक है, ये गोल क्या है, डिस्क। तो आपको पता है जब आप डिस्क देखते हैं तो ऊपर से भी डिस्क होती है, नीचे भी डिस्क होती है, हालांकि नीचे कवर लगा होता है, तो ऊपर डिस्क होती है, नीचे भी डिस्क होती है। तो इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, सरफेस, प्राइमरी सरफेस या अपर सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर नहीं समझेंगे आप, मैं आपको समझाता हूं उसको, हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर। जैसे कि अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, यहां पर एक हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर, ठीक है, एसडीडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एसडीडी स्ट्रक्चर, ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं, यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज, ठीक है, ये देखिए, सेव कर देता हूं इमेजेस को, और यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, चलिए। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क का स्प्लेंडर होता है, ठीक है, इसको प्लेटर बोलते हैं, ठीक है, प्लेटर इसको बोलते हैं, यहां पे सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन अपर सरफेस, ठीक है, और ये होता है लोअर सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, ये प्लेटर, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि स्प्लेंडर से लगा हुआ होता है। अब ये जो बीच बीच में जो ये गोले होते हैं ना, देखो ये गोले लगे हुए, ये गोले लगे हुए, ये गोले, ये गोले आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो ये गोला दिख रहा है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन ट्रैक्स। क्या बोलते हैं, ट्रैक्स, जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपने ग्रामोफोन देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा ग्रामोफोन। जैसे मैं आपको ग्रामोफोन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रामोफोन क्या होता है। जैसे अपन यहाँ पर गए और यहाँ पर मैंने कहा ग्रामोफोन, ठीक है, ग्रामोफोन, तो मैं ग्रामोफोन पे चलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये ग्रामोफोन दिख रहा है आपको, ये देखिए दोस्तों, देखो ये 19 ईयर्स गोल्ड ग्रामोफोन है। आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, पहले के जमाने में क्या होता था, देखो ये रहा, ये देखो ये डिस्क होती थी, ये डिस्क होती थी, ये डिस्क है, इसके ऊपर ये रखा जाता था, क्लियर। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्ड की तरफ भी बता दूं, ठीक है, इसका मैं वीडियो बता देता हूं आपको, शेयर स्क्रीन, देखो दोस्तों ये रहा, ये ग्रामोफोन दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां पर देखो, ये देखिए ये ग्रामोफोन है, इसके ऊपर रखते थे डिस्क, ठीक है, जैसे देखो यहां पे डिस्क रखी जाती थी, ठीक है, ये ग्रामोफोन है, हालांकि ये अब बंद हो गया, तो देखो इसके ऊपर डिस्क रखी जाती है, और इस तरीके से ये जो है
ये यहाँ पे रखता है। तो ये क्या है, हर एक ये डिस्क घूमती है, ठीक है, डिस्क घूमती है और जैसे डिस्क घूमती है वैसे म्यूजिक चलता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया जो ये चीज होती है, ये क्या डिस्क है, ये घूमती है, ठीक है। अब ये चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है, चाहे ये आपका क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस तरह से घूमना, ठीक है, यूं जबकि घड़ी चलती है ना घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, आप जब अपनी घड़ी में देखते हैं तो आपकी घड़ी के अंदर जो आपकी टिक टिक है वो यूं घूमती है इस तरीके से। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उल्टी दिशा में, है ना, उल्टी दिशा में घूमना। तो ये जो डिस्क है ना ये घूमती है ऐसे करके, और ये जो रीड्राइट हेड है ना ये मूवेबल होता है आगे पीछे, या तो ये आगे जाएगा या पीछे जाए, होता यहीं पे ही है, लेकिन ये या तो आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, या फिर जो डिस्क घूमती है इस हिसाब से जाएगा, क्लियर। तो मैंने इसका इसका प्रोसेस बताया, तो सबसे पहले आता है प्लेटर, ठीक है, फिर आता है सरफेस, पहले आता है डिस्क, फिर डिस्क में होता है प्लेटर, फिर होता है सरफेस, फिर होता है ट्रैक्स, और फिर होते हैं सेक्टर्स। अब ये सेक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, सेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे सेक्टर है, जैसे कि मैं आप इसको बताऊं, एक सेकंड में वापस पीछे चलता हूं। और देखो दोस्तों ट्रैक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया जो पूरी की पूरी डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क में जितने भी सर्कल बने हुए हैं ना, ये देखो एक सर्कल ये बना हुआ है यहां से लेकर के, और ये मैं सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, ये यहां से मैंने यहां तक का सर्कल बनाया, ये जितने भी सर्कल बने हुए 1 2 3 4 ये सब के सब क्या है, ट्रैक्स है। इन ट्रैक्स में आपका डेटा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद सेक्टर्स, सेक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक लाइन, ठीक है, ये फिर एक लाइन बना दी मैंने, फिर ये एक लाइन बना दी मैंने, फिर मैंने एक लाइन बना दी, फिर मैंने एक लाइन बना दी, फिर मैंने जैसे एक लाइन और बना दी, फिर मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। ये इन इसको बोलते हैं सेक्टर्स में बांटना, क्लियर, ये हो गए सेक्टर्स। तो ये जो ट्रैक्स हो गए, इन ट्रैक्स को मैंने जैसे देखो, मैंने ये डिस्क बनाई, ये डिस्क है, मैंने इसके अंदर एक गोले बना दिए ऐसे, ठीक है, और बना दिए, और बना दिए, ठीक है। अब मैं ये ट्रैक्स बना दिए मैंने, ट्रैक्स का मतलब घूमना, जैसे ट्रैक्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि ये ट्रैक पे घूमा, ये ट्रैक है, इसके ट्रैक को चारों तरफ आप वो लगाइए, क्या कहते हैं, रेस लगाइए, या आप दौड़िए, जंप करिए। तो ये जितने भी ट्रैक्स बने हैं, जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर का, ये आधे किलोमीटर का है, ये 200 मीटर का, ये ट्रैक्स बने होते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्स जैसे वो ट्रैक्स होते हैं वैसे ही ट्रैक्स है, जैसे ये गोल ट्रैक्स है, ठीक है, इसके ऊपर आपने फिर अंदर एक ट्रैक्स बना दिया, फिर अंदर एक ट्रैक बना दिया, फिर ट्रैक बना दिया। अब सेक्टर क्या होते हैं, तो सेक्टर होते हैं जैसे कि देखिए ये बांट दिया मैंने, ये एक सेक्टर में बांट दिया, ये बांट दिया, ठीक है, ये बांट दिया, ऐसे बांट दिया, ये बांट दिया, ये इनको सेक्टर में बांट दिया, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर 5 सेक्टर 6 सेक्टर। जैसे आप देखते होंगे दोस्तों जो कॉलोनी होती है बड़ी बड़ी, वो कॉलोनियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, सेक्टर में बटी हुई होती है, सेक्टर 26, सेक्टर 13, सेक्टर 12, सेक्टर 10, तो एक पूरी की पूरी कॉलोनी बीच में बांट दी, बहुत गोल कॉलोनी होती है, उस गोल कॉलोनी के बीच में आप सेक्टर में बांट देते हैं। ऐसे ही डिस्क को आपने सेक्टर में बांट दी, जैसे मैंने कहा ये सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर, ये सेक्टर। और क्लस्टर क्या होते हैं, तो क्लस्टर होते हैं दोस्तों 2 या 2 से अधिक सेक्टर्स को मिला के, सबसे छोटी यूनिट होती है क्लस्टर की, ठीक है, क्लस्टर को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, क्लियर। तो आपको जो प्लेटर के अंदर समझने वाली चीज है वो 3 चीज ही है, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर। क्या होते हैं ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, इसको और अच्छे समझते हैं। तो ट्रैक्स क्या होते हैं, ट्रैक्स आर द कॉन्सेंट्रेट सर्किल ऑन द प्लेटर वेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर। तो ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, तो ट्रैक्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट सर्किल ऑन द प्लेटर वेयर ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर, जहां आपकी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, उसको ट्रैक्स बोलते हैं। अब द ड्राइव हेड कैन एक्सेस देयर सर्कुलर रिंग्स इन द वन पोजिशन इन द टाइम। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसको एक बार कट करते हैं, वापस मैं आपको अपने, ठीक है दोस्तों, और ये डिस्क के अंदर मान लीजिए मैंने एक सर्किल और बना दिया, ये मैंने एक सर्किल और बना दिया, ठीक है,
और मैंने इसको ट्रैक्स में बांट दिया, ठीक है, ये मैंने इसको ट्रैक्स में बांट दिया, ट्रैक्स में नहीं सेक्टर्स में बांट दिया, ठीक है, ट्रैक्स मैंने बना दिए। अब ये जो आपका रीड राइट होता है, रीड राइट का मतलब जानते हैं आप, रीड राइट का मतलब जैसे कि मैंने आपको ये बताया, स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को और रीड राइट फॉर्म में ले चलता हूँ। रीड राइट का मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये रीड राइट, ये रीड राइट हेड होता है जो आपके प्लेटर पे लगा हुआ होता है, ठीक है, ये सारा का सारा रीड राइट हेड है, ये आपके डेटा को फैच करता है, यही करता है डेटा को फैच। ये तो आपको डिस्क है, इसके अंदर तो आपका डेटा स्टोर है, बस उसको रीड करने का काम कौन करता है, ये रीड राइट हेड जो कि एक्चुएटर आर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये मूवेबल होता है, ये कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, आगे पीछे मूव करता है, घूमता नहीं है, ये नहीं घूमेगा, डिस्क मूव होगी, डिस्क क्लॉकवाइज मूव होगी या एंटी क्लॉकवाइज मूव होगी, बट ये जो रीड राइट हेड है ये आगे पीछे होता है, ठीक है। अभी काम कैसे करता है, तो जैसे देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहां पर ये मान लीजिए ये रीड राइट है, ठीक है, ये रीड राइट मान लीजिए आपका हेड है, ठीक है। अभी ये अभी इस सेक्टर के अंदर है, ये चाहे तो ये इस सेक्टर के अंदर भी आ सकता है, चाहे तो ये इस सेक्टर के अंदर भी आ सकता है, चाहे तो ये इस सेक्टर के अंदर भी जा सकता है, डिस्क घूमती रहेगी बट ये आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। जिस भी सेक्टर में डेटा लेके जाना है आपको, जैसे आप मान लीजिए किसी और ड्राइव में गए, किसी भी ड्राइव में आप गए, कहीं भी आपने डेटा खोला, तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, जो रीड है ये जाता रहेगा, कभी यहां जाता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका डेटा इस सेक्टर के अंदर है तो यहां चला जाएगा, मान लीजिए आपका सेक्टर इस सेक्टर में है तो यहां चला जाएगा, आपका डेटा अगर इस सेक्टर में है तो यहां चला जाएगा, ऐसे ही ये आगे पीछे होता रहता है, ठीक है, आगे पीछे ऐसा होता रहता है, जहां पर ये आपका डेटा होगा वहां पर रहेगा, जो डिस्क है वो घूमती रहती है। जैसे मैंने ग्रामोफोन के बारे में बताया, वैसे ही ग्रामोफोन की तरह ये डिस्क भी घूमती रहती है, क्लियर है, आई थिंक अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि द ड्राइव हेड कैन एक्सेस देयर सर्कुलर रिंग्स इन वन पोजीशन एट अ टाइम, ये एट अ टाइम एक ही सेक्टर में रहता है। जब जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ यहाँ पे और मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वापस स्क्रीन पे, जैसे मैं दिस पीसी में गया, अब जैसे मान लो मुझे कोई डेटा खोलना है, जैसे मान लीजिए मैं सॉन्ग्स में गया, तो अब मेरा जो डिस्क है, जो मेरा प्लेटर है, जो मेरा रीड राइट है, वो मेरे इसमें इस सेक्टर में आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको खोला तो ये और अंदर सेक्टर में चला जाएगा, अब मान लीजिए मैं इससे बाहर आ गया तो वो भी बाहर आ गया, अब बाहर आके मान लीजिए मैं सॉफ्टवेयर वाले में चला गया तो वो इस सेक्टर के अंदर आ जाएगा। अब डिस्क घूम रही है, जहां पर भी डिस्क, जहां पर भी ये डेटा रखा होगा, वो जो रीड राइट है वो वहां पर चला जाएगा और इसको राइट करेगा। तो रीड राइट कर, देखो जैसे देखो ये जो हो रहा है, ये रीड राइट कौन करता है, ये करता है रीड राइट हेड, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पे मैं कुछ और खोलता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन में खोलता हूँ, ठीक है, या फिर मान लीजिए और मान लीजिए मैं जैसे कि यहाँ पर या मान लीजिए यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो जो टाइम लग रहा है ना, देखो टाइम लग रहा है, अब देखो ये जो ऊपर आ रहा है ना, देखो ऊपर जो लाइन चल रही है, ये जो आपका रीड रेट है ना, ये जाता है फटाफट से जाता है, डिस्क घूमती है और जब प्लेटर जाता है तब तक ये प्रोसेस चलता है, और जब आ जाता है आपका एग्जैक्ट उस सेक्टर में, तब आपको दिखा देता है कि हाँ उस सेक्टर में, उस डिस्क में आपका ये ड्राइव रखा हुआ है, आपका ये फोल्डर रखा हुआ है, आपका ये डेटा रखा हुआ है, क्लियर। तो जो आपके डेटा है, ठीक है, जो आपके डेटा होते हैं वो इस डिस्क में रखे हुए होते हैं, किसमें रखे हुए होते हैं, इस डिस्क में, ये जो डिस्क है पूरी की पूरी, इसमें आपका डेटा रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, ये सारे के सारे डेटा रखे हुए हैं। अब जहां पर भी जाना है डिस्क घूमती है और वहां पर आपका रीड राइट जो है वो चला जाता है। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी समझेंगे। तो ट्रैक्स मैंने आपको बता दिए, ट्रैक्स जो है गोल गोल जो है, जितने भी आप सर्किल के अंदर गोल गोल देख रहे हैं, सारे ट्रैक्स होते हैं। अब ट्रैक्स आर नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रोपेस, आइडेंटिफिकेशन पर्पस का मतलब है कि आइडेंटिफाई करता है कि भाई मेरे इस फोल्डर के अंदर ये डेटा रखा हुआ है, कोई और डेटा तो रखा हुआ नहीं है, तो ये बहुत आपके काम में आता है, ठीक है। उसके बाद रीड राइट इज परफॉर्म्ड बाय रोलिंग रीडर्स हेडर्स फ्रॉम द इनर और इनर टू अटमोस्ट पार्ट ऑफ द डिस्क, इसका मतलब जो रीड राइट आपका हेडर है वो परफॉर्म करता है रोलिंग हेडर्स पे, मतलब रोल करता रहता है आपका डिस्क, रोल करता रहता है और वो हेडर जो है वो आपका रीड राइट करता रहता है इनर टू आउटमोस्ट पार्ट ऑफ द डिस्क, जो इनर पार्ट है आपका, जो मैंने आपको बताया प्लेटर के फॉर्म में है ना, जो ट्रैक्स के फॉर्म में मैंने आपको बताया वो है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स मैंने आपको बताया, जो मैंने आड़ी तिरछी लाइनें बता रहा था ऐसे करके, वो सेक्टर्स होते हैं। तो एक सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन द डिस्क प्लेटर,
डिस्प्लेस पैलेट के अंदर आप सर्कल तो बना देते हैं, लेकिन उस सर्कल को आप जितने टुकड़ों में बांट सकते हैं बांट दो। जैसे आप एक अमरूद लेते हैं, गोल अमरूद होता है, उसको आप बीच में से काटते हो, फिर आप एक बीच में से और काटते हो चार हिस्से, फिर आप और काटते हो, फिर आप और काटते हो, जितने आप काटोगे उतने छोटे छोटे हिस्से बनते जाएंगे, तो वो क्या बोलते हैं सेक्टर्स। तो ऐसे ही एक डिस्क को जितने फॉर्मेट में आप काटोगे वो सेक्टर बनते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट, जितनी आप चाहते हो। मान लो आप चाहते कि मैं छोटे 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 सेक्टर बना दूं जिससे कि मेरा डेटा ज्यादा स्टोर हो सके, लेकिन कम एमबी में, कम मेमोरी में हो सके, तो आप जितने कम सेक्टर बनाएंगे उतना ही कम आपका डेटा रहेगा, लेकिन वेरियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ईच सेक्टर होल्ड्स डेटा ऑफ फिक्स साइज 512 बाइट ऑफ एसडीडी, इसका मतलब ये दोस्तों, एंड द लेटेस्ट एसडीडी जो आ रही है वो 4069 बाइट, इसका मतलब ये दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे एक बार डिस्कार्ड करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैं जिस पीसी में गया, अब देखो यहाँ पर जैसे कि मेरी हार्ड डिस्क है, ठीक है, मैंने इस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया, तो फॉर्मेट करने के बाद देखो यहाँ पे बता रहा है एलोकेशन यूनिट साइज। एलोकेशन यूनिट साइज का मतलब क्या है, मैं चाहूँ तो 512 यूनिट में भी इसको एलोकेट कर सकता हूँ, सेक्टर बना सकता हूँ, ठीक है, 1024 बाइट में भी सेक्टर बना सकता हूँ। सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर का मतलब ये दोस्तों, फिर से समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा डिस्क है आपका, हार्ड डिस्क है, ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको 1, 2, 3 और 4, चाहे तो मैं 4 या 5 फॉर्मेट में इसको बांट दूँ, चाहे तो मैं और बांट दूँ, ठीक है, और करके बांट दूँ ऐसे करके, चाहे मैं और बांट दूँ और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूँ उसको, मैं चाहे जितने टुकड़ों में इसको बांट सकता हूँ। तो जितने कम टुकड़ों में बांटूंगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कट करता हूँ और यहाँ पर एक बार मैं वापस इसको क्लियर कट करता हूँ। जैसे जितने कम टुकड़ों में बांटूंगा 512 बाइट में, मतलब मेरे जो ये सेक्टर है वो 512 बाइट में बट जाएंगे, तो जो एक मेरा एक जो सेक्टर होगा उसमें 512 बाइट के फॉर्म में डेटा रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं तो बड़ा बड़ी में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइलें हैं वो बड़े बड़े एमबी में है, तो मैं 1024 बाइट में उसको बांट दूंगा। ठीक है, और बड़ा चाहता हूँ तो 2 बाइट्स में, ठीक है, मतलब 2KB, 2048 बाइट्स का मतलब 2KB में। मैं और बड़ा चाहता हूँ तो 4KB में बांट दूंगा, मैं और बड़ा चाहता हूँ तो 8KB में बांट दूंगा, मैं और बड़ा चाहता हूँ तो 16KB में बांट दूंगा। ऐसे में जितना चाहूँ उतना केबी में बांट जाऊंगा, जिससे कि मैं जितनी मल्टीपल फाइल, जैसे मान लीजिए मेरे को एक फाइल चाहिए 25GB की, मैं डालना चाहता हूँ पेन ड्राइव में, तो मैं 25GB की एक साथ यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने उसको छोटे क्लस्टर में बांट दिया, 512 बाइट में बांट दिया, तो ये बोलेगा कि नहीं सर, 512 इंटू 2 सरफेस एंड डिस्क की साइज देख लीजिए, मतलब करीब करीब मैं सिर्फ 1GB की फाइल ही इसमें डाल सकता हूँ, उससे ऊपर की फाइल में नहीं डाल सकता, एक साथ उसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा मेरे। क्लियर, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अपनी पेन ड्राइव है 4GB की, 8GB की पेन ड्राइव, उसके अंदर मान लो आपने कोई 6GB की आप मूवी डाल रहे हो, तो वो उस पर ट्रांसफर ही नहीं होती, एरर बता देता है कि नहीं, दिस इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज ए हाईएस्ट यूनिट, आप इन्हें इसके अंदर और एलोकेशन साइज दो जिससे कि मैं ले सकूं। आपके पास स्पेस तो है लेकिन वो फाइल ट्रांसफर नहीं हो रही, तो फाइल ट्रांसफर एरर आती है। जैसे देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फाइल ट्रांसफर एरर, लार्ज फाइल ट्रांसफर एरर, लार्ज, ठीक है, लार्ज फाइल ट्रांसफर एरर इन पेन ड्राइव, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है FAT32 एंड NTFS, मतलब इमेजेस में अपन जाएंगे, देखो यहाँ पे बता देता है, देखो जैसे यहाँ पे देखो फाइल टू लार्ज, ये आपको दिख रहा है, दिस फाइल इज टू लार्ज फॉर डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो आपने क्लस्टर बना रखे हैं, जो आपने सेक्टर बना रखे हैं, वो बहुत छोटे छोटे सेक्टर बना रखे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल टू लार्ज, ठीक है, ये क्यों आती है प्रॉब्लम, ये क्लस्टर साइज की प्रॉब्लम आती है। हाउ टू फिक्स, तो कैसे करेंगे फिक्स, अब देखो यहाँ पे फिक्स कर, देखो यहाँ पे लिया हुआ है टू लार्ज 8.40GB, तो जितने जीबी की फाइल, जितने ज्यादा जीबी की आप फाइल भेजेंगे, तो उतना बड़ा आपके पास क्लस्टर भी तो होना चाहिए ना उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको एक साथ देने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे यहाँ पे बोला, देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोला छोटे छोटे सेक्टर बने हुए, तो छोटे छोटे सेक्टरों में इतना ही डेटा आ सकता है। जैसे इसकी साइज मान लीजिए आपने डिसाइड कर दी 512 बाइट, तो 512 इंटू आप कर दीजिए 2 और इंटू कर दीजिए आप 32 बिट, ठीक है, और इंटू कर दीजिए आप फाइल की साइज, तो करीब करीब इतना ही डेटा इसके अंदर आ पाएगा, ठीक है, वो चाहे 1GB हो, चाहे 2GB हो, चाहे 4GB हो, ठीक है। लेकिन आप 8GB की फाइल रखना चाहते हैं एक सेक्टर में,
तो आपको सेक्टर भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना, आपको बढ़ाना भी तो पड़ेगा ना उसको। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे देखो ये एरर बता रहा है, ठीक है, ये देखो फाइल टू लार्ज, ये आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगी, ठीक है। ये बोलेगा कि सर कंप्रेस करिए, आप फाइल को छोटा करिए, हम इतना ज्यादा नहीं डाल सकते। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसके अंदर ये करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, आप फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, और फॉर्मेट करने के बाद इसको यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आप जो 4KB के अंदर इसको फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद में आप जितने आप कम से कम मिनिमम 8GB या 10GB की एक साथ फाइल इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यह हार्ड डिस्क की थोड़ी समझ आपको होनी चाहिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, और यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको आप समझ में आ गए होंगे ट्रैक सेक्टर क्लस्टर के बारे में, ट्रैक्स के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे, अब उसके सेक्टर के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ईच जो डिस्क है सेक्टर इज लेबल्ड यूजिंग फैक्ट्री ट्रैक पोजिशनिंग डेटा। फैक्ट्री ट्रैक पोजिशनिंग डेटा का मतलब ये कि आप जब चाहे जब ट्रैक कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है, आप रिकवर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जितने छोटे छोटे आप ट्रैक बनाएंगे उतने जल्दी रिकवर करने में आसानी रहेगी, ठीक है। बड़े बड़े ट्रैक बनाएंगे तो रिकवर करने में वो भी उसमें भी आसानी रहती है, बट प्रॉब्लम ये होती है अगर आपने ओवरराइड कर दिया डेटा तो वो पूरा का पूरा डेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉरेंसिक्स में आगे काम आएगा आपके। फिर बात करते हैं द ऑप्शनल मेथड ऑफ स्टोरिंग ए फाइल ऑन ए डिस्क इज कंटिन्यूस सीरीज। सीरीज का मतलब ये है, जैसे दोस्तों मान लो आपने कोई देखा होगा कि जैसे कोई डेटा आप ट्रांसफर करते हैं, है ना, स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी 10KB की कोई फाइल है तो 10KB की फाइलें सारी पहले एक साथ कॉपी होंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर जैसे 100MB की फाइल है वो फिर एक साथ कॉपी होंगी, फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए 1GB की फाइल है वो एक साथ कॉपी होगी। तो ये अलग 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 कंटिन्यूस सीरीज में एक फाइल है कॉपी होती रहती है उसके अंदर, ठीक है, सीरीज वाइज, उसको बोलते हैं सेक्टर्स में, ये काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लस्टर की। क्लस्टर क्या होता है, तो क्लस्टर होता है स्मॉलेस्ट एक्सेसिबल स्टोरेज यूनिट, ठीक है, कंबाइनिंग सेक्टर, मतलब जो सेक्टर होते हैं छोटे छोटे, जैसे देखिए सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये एक सेक्टर है दोस्तों, और यहाँ से लेकर के एक सेक्टर है दोस्तों, ये सेक्टर, और यहाँ से लेकर के एक सेक्टर दोस्तों, ये सेक्टर, तो ये तीन सेक्टर हो गए। तो इन तीन सेक्टर को मिलकर क्या बोलता है, क्लस्टर, ठीक है। इसमें एक साथ आपका डेटा रिकॉर्ड है, मान लो यहाँ पे KB में है, यहाँ पे MB में है, ठीक है, यहाँ पे GB में है, इसी तरीके से, ठीक है। अलग अलग फाइल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2GB की एक ही फोल्डर है, एक ही फोल्डर में आपने 2GB की फाइल, फिर उसके बाद में यहाँ पे 100MB की फाइल, फिर यहाँ पे मान लीजिए 10KB की फाइल, तो ये क्लस्टर बन गए अलग अलग, क्लियर है, इस तरीके से, समझ गए। तो जो क्लस्टर साइज होती है, क्लस्टर है फिक्स साइज बाय फाइल सिस्टम डिस्क फॉर्मेटिंग रेंजिंग फ्रॉम 512 बाइट टू 4KB। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो क्लस्टर साइज होती है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्क की फॉर्मेट है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे विनएक्स बोलता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैंने विनएक्स टूल खोला है, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ उसको टूल्स को ओपन डिस्क, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी एक हार्ड डिस्क खोलता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक हार्ड डिस्क अपनी खोली, तो देखिए यहाँ पे काफी सारे मेरे पास हार्ड डिस्क है, तो मैंने एक हार्ड डिस्क खोली यहाँ पे 1.8TB सीटा की, इसको मैं खोलता हूँ, तो जैसे ही देखो इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि मेरे पास जो बाइट्स पर सेक्टर है वो 512 है। देखिए ये जो सेक्टर, देखो यहाँ पे यहाँ तक ये जो सेक्टर है ये 512 है, देखो यहाँ पे जो लाइन दिखी हुई ना, ये लाइन देखिए आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, है ना, ये विनहैक सेक्टर ही आपका काम आएगा। तो देखो देख एनोनेट करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको आगे चलता हूं, ये देखिए दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये क्या है, एक 512 बाइट का एक सेक्टर है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा भरा है लेकिन थोड़ा कुछ खाली है। उसके बाद मैं आगे चलता हूं, ये देखो मैं आगे चला, ठीक है, तो देखो यहां पर काफी सारा डेटा भरा हुआ है। इसके बाद मैं आगे चला, ये सारा डेटा है इनक्रिप्टेड डेटा है, ठीक है, ये देखो ये सारा सारा डेटा है, ये डेटा है। अब डेटा के अंदर लाइन भी दिया हुआ है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ए बी सी डी ई एफ, फिर 0, 1, 2, 3, तो ये किसके फॉर्म में होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। ये भी एक चीज ध्यान है आपको, एग्जाम में कभी आ जाए कि जो डिस्क साइज है, जो सेक्टर साइज है, क्लस्टर फॉर्मेट होते हैं, ये कौन से फॉर्मेट में होते हैं, तो आप बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल, क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है, जैसे कि 0 से लेकर 9 और A से लेकर F, तो 10 को बोलते हैं A, 11 को बोलते हैं B,
12 को बोलते हैं सी, 13 को बोलते हैं डी, 14 को बोलते हैं ई और 15 को बोलते हैं एफ, इसी तरीके से। क्लियर है? तो आई होप अब आपसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसकी यूनिट 512 से लेकर के 4 के बी तक होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए अपने जो फॉर्मेट है डिस्क को, इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी, क्लस्टर की साइज कितनी रखूंगा, या तो मैं 512 से लेकर के 4 के बी तक रख सकता हूँ, या इससे ज्यादा भी रख सकता हूँ। आजकल की हार्ड डिस्क में ज्यादा भी आते हैं। क्लियर है दोस्तों? कर देते हैं अपन क्लोज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस, इसका मतलब ये होता है कि आप चाहें तो आप अपने हार्ड डिस्क में अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अपने लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस को सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डिस्क की साइज कितनी होगी वो आप सेट कर सकते हैं। डिस्क की साइज तो होती है, बट उस डिस्क के साइज को आप किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि LBA, इट इज अ मेथड यूज फॉर एड्रेसिंग डेटा मॉडर्न हार्ड डिस्क ड्राइव। जो मॉडर्न हार्ड डिस्क ड्राइव आ रही है उसके अंदर ये, और SSD जो आ रही है और अदर स्टोरेज जो आ रही है उनके अंदर जो LBA डिस्क कैपेसिटी उसको रखने का तरीका है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एफिशिएंट वे टू एक्सेस डेटा बाय असाइनिंग यूनिक लॉजिकल ब्लॉक नंबर। जैसे मैंने बताया, जैसे कि आपका एक डेटा है, मान लीजिए एक आपकी मूवी है, वो हार्ड डिस्क में एक यूनिक ब्लॉक नंबर लेगा। ठीक है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ब्लॉक नंबर ले लिया। ठीक है, अब सेम ब्लॉक नंबर कोई और डेटा के लिए नहीं ले सकता, सिर्फ इसने ले ली। अब इससे फायदे क्या है? एक तो ये कि इसको यूनिक ब्लॉक नंबर मिल गया, दूसरी चीज अगर ये गलती से डिलीट हो गया तो मैं इसको इस ब्लॉक नंबर के सारे वापस रिकवर कर सकता हूँ। अगर मैंने ब्लॉक नंबर नहीं बनाया या ब्लॉक नंबर मैंने नहीं दिया तो मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता। तब क्या होता है, किसी और की डेटा, जैसे कभी बार आप क्या करते हैं, पुराने हार्ड डिस्क को जब आप रिकवर करते हैं तो पता नहीं कौन सा डेटा आ जाता है, डेटा था क्या, डेटा कौन सा आ गया, तो वो इसी वजह से होता है कि उसको यूनिक ब्लॉक नंबर नहीं मिला। ठीक है, फिर बात करते हैं, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एट कंपेटेबल विद वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब है कि दोस्तों आजकल जितने भी, जैसे मान लीजिए आपके ATM वगैरह हो गए, ठीक है, बायोमेट्रिक्स हो गए, कैमरे हो गए, ड्रोन कैमरे हो गए, ठीक है, इनके अंदर क्या है कि जो यूनिट्स हैं, बड़े बड़े जो शूट्स होते हैं कैमरे से, जैसे कि फिल्में शूट होती है, या मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, या और भी बड़े बड़े जो शूटिंग्स होती है उनके अंदर जो मेमोरी कार्ड्स आते हैं वो इसी एफिशिएंसी LBA के थ्रू आते हैं, जिसमें रोल्स लगे होते हैं कि भाई ये जो पार्ट है इसके अंदर यही डेटा रहेगा, इससे मैं उसको वापस रिकवर कर सकता हूँ। क्लियर? ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई डेटा डिलीट हो जाए तो पूरा का पूरा डेटा डिलीट नहीं हो, सिर्फ एक ब्लॉक डिलीट हो। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप कभी भी रिसाइकल बिन, जैसे आप कोई चीज डिलीट कर देते हैं तो वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होता, वो रिसाइकल बिन में चल जाता है छोटा सा फॉर्मेट उसका, और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप उसको रिस्टोर करते हैं तो वापस वो उसी जगह आ जाता है। अगर मान लीजिए परमानेंट डिलीट कर देते हैं तो वो छोटा फॉर्म में जमा हो जाता है, जब आप रिकवर करेंगे रिकवर टूल से तो वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसके पास एक मतलब उसके आपके पास एक चीज चाहिए या प्रिकॉशन एक रखने की चीज ये है कि आप डेटा को ओवरराइट नहीं कर सकते। अगर आपने डेटा को ओवरराइट कर दिया तो वो डेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी बहुत दोस्तों टेक्निकली है, बट आपको समझनी चाहिए। अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत आसानी से बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डिस्क कैपेसिटी कैलकुलेशन। डिस्क कैपेसिटी कैलकुलेशन कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ LBA कितना हो गया आपका, जैसे मान लीजिए आपकी 8 GB की पेन ड्राइव है, ठीक है, तो ब्लॉक साइज जैसे मान लीजिए 8 GB, 8 GB का मतलब जैसे मान लीजिए LBA कितनी होगी, LBA होगी मान लीजिए 4, LBA होगी मान लीजिए 1,00,000, ठीक है, इंटू आपने कर दिया ब्लॉक साइज को 8 GB, तो टोटल साइज कितनी होगी डिस्क की, 8 GB, 8 GB साइज होगी, प्लस उसको अगर आप गुणा करेंगे तो 6.64 ऐसे कुछ आएगा। और मान लीजिए जैसे एक 1,00,000 LBA है तो अगर आप गुणा करेंगे 409 बाइट से तो करीब करीब 3.81 GB की आ जाएगी। तो डिस्क साइज ऐसे कैपेसिटी की जाती है, आपने देखा होगा कि 4 GB में पूरी 4 GB नहीं आएगी, ठीक है, 8 GB पेन ड्राइव में पूरी 8 GB नहीं आएगी, कम होती है। क्यों? क्योंकि उसकी LBA जो होती है वो डिस्क कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, LBA इंटू ब्लॉक साइज, LBA और ब्लॉक साइज को आप गुणा कर देंगे, LBA इंटू ब्लॉक साइज को आप गुणा कर देंगे, जितनी ब्लॉक साइज आप बढ़ाना चाह रहे हैं
तो डिस्क की कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर, ये पहले से डिसाइडेड होती है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एसएसडी की। तो एसएसडी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एसएसडी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्क क्या होते हैं, प्लेटर क्या होते हैं, ठीक है, क्लस्टर क्या होते हैं, ट्रैक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एसएसडी जो है मॉडर्न है, वो फास्टर होती है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, फास्टर देन एसएसडी होता है, नैंड फ्लैश मेमोरी होती है। देखिए फ्लैश मेमोरी है, ये फ्लैश मेमोरी है, वहां पे आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। कंट्रोलर होता है पूरा का पूरा, डीरैम होता है, ठीक है, डायनेमिक रैम होता है, ठीक है, और होस्ट इंटरफेस, मतलब जो इंटरफेस होता है वो होस्ट कर सकता है उसको। क्लियर है। तो यहां पर ये एसएसडी है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मेन चीज जो है वो एसएसडी में ही दिमाग लगाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत सारी समस्याएं होती है, वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ डिस्क इंटरफेसेस के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सर ये कुछ चीजें होती है, हमें समझ में नहीं आती है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे सीरियल ATS सेटा AHCI, ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये आप मदरबोर्ड में लगाते हैं, एक आप हार्ड डिस्क में लगाते हैं जम्पर में, ठीक है। इसके अलावा HCSI स्मॉलेस्ट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस ये होता है, ये जो VGA केबल हो गया या आपके रैम हो गया, ठीक है, यहां पर लगाया जाता है। क्लियर। इसके बाद होता है सीरियल अटैच SCSI, देखिए ये क्या है सीरियल अटैच SCSI, ये क्या लगता है, एक तो लगता है हार्ड डिस्क में और एक लगता है आपके उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर। क्लियर, ठीक है। ये आपका जो SMPS है और SMPS से मदरबोर्ड लगता है, ठीक है। जब आप मान लीजिए कभी आप वो करेंगे, क्या कहते हैं, कंप्यूटर PC या PC को आप असेंबल करेंगे, तब ये आपके काम में आता है, ठीक है। ये मदरबोर्ड लगता है, ये आपके VGA केबल वगैरह में लगता है, पावर इंटरफेस, ये लगता है आपके हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड, ठीक है, और PCIe, ये PCIe होता है, ठीक है, ये भी आपके SMPS टू मदरबोर्ड लगता है, ठीक है, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए। और ये आपका NVVA, आजकल जो लेटेस्ट जो रैम्स आ रही है लैपटॉप्स में वो यही आ रही है, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा वो होती है NVMe। क्लियर है। तो ये डिस्क इंटरफेसेस होती हैं जो डिस्क में लगती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क की। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्क का मतलब क्या होता है, एक तो आप इंटरनली डिस्क को लॉजिकल स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे बिट के अंदर, सेक्टर के अंदर, क्लस्टर के अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर, फाइल्स में, डायरेक्टरी में, फाइल मेटाडाटा में। एक होता है फाइल एलोकेशन टेबल FAT के अंदर, ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम्स के अंदर होता है, पार्टीशन टेबल होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR, जी गाइड पार्टीशन, आगे बात करेंगे इसके बारे में, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस LBA में, एक रेड कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो धीरे धीरे करके बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं MBR के अंदर। तो देखो दोस्तों MBR क्या होता है, MBR होता है, इसको मैं मिटा देता हूं, MBR होता है, MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, MBR इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। ये फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आप हार्ड डिस्क लेकर आए, ठीक है, और हार्ड डिस्क के अंदर मान लीजिए आपने 100 GB का एक प्राइमरी वॉल्यूम बनाया, क्या बनाया, प्राइमरी वॉल्यूम। तो जो प्राइमरी वॉल्यूम होता है ना, उसमें आपका जो डिवाइस है जो बूटेबल होता है उसके लिए ये डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो MBR का फर्स्ट सेक्टर होता है, मतलब जैसे आपने डिस्क है, ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ते हैं। चलिए ये डिस्क है आपका, तो ये डिस्क के अंदर ये मान लीजिए ये एक डिस्क है, तो ये जो पूरा का पूरा क्लस्टर है ना, ये आपके इसके लिए डिवाइस हो जाएगा प्राइमरी के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेक्टर बनता है इससे, ठीक है। फाइल्स देयर लोकेशन एंड साइज अदर इंपॉर्टेंट डेटा इज स्टोर्ड इन द MBR फाइल। MBR फाइल में स्टोर होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड में स्टोर होता है, ठीक है। MBR रिफर्स टू 512 byte बूट सेक्टर इन पार्टीशन सेक्टर, कम से कम 512 बाइट का जो पार्टीशन सेक्टर है उसी से ये जो है रिकॉर्ड होता है, ठीक है। होल्डिंग ए पार्टीशन टेबल, टेबल को होल्ड करता है। बूटस्ट्रैपिंग एंड OS, OS को बूटस्ट्रैप करता है, मतलब कि अगर आपको इसको मान लीजिए अगर आपको उसको वो करना है, अगर मान लीजिए आपको इसके अंदर क्या करना है, OS डालना है दूसरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्मेटिंग आप इसको ओपन डाल सकते हैं, ठीक है। और 32-bit डिस्क सिग्नेचर होता है, जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे यहाँ पे मैं बार यहाँ पर देखिए मेरे ये डिस्क
मैनेजमेंट है, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो मैं इसके प्रॉपर्टीज में गया तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपका जो पार्टीशन स्टाइल है वो MBR में स्टाइल है, ठीक है, मतलब कि मास्टर बूट रिकॉर्ड में स्टाइल जो है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड में तो है ही, इसके अंदर साथ में मैंने क्या है प्राइमरी पार्टीशन बना रखे हैं चार, तो जो इसके अंदर 4 अप टू प्राइमरी पार्टीशन आप बना सकते हैं, आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपना जो सवाल था वो ये था कि 32 बिट सिग्नेचर होता है, जैसे यहाँ पर मैं विन हैक्स खोलता हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी है, ठीक है, और ये जो है मेरा ये MBR में है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8 TB और 512 बाइट सेक्टर, ठीक है। और प्राइमरी कितना बना सकता हूँ, 4 प्राइमरी बना सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ये पार्टीशन लिखे हुए हैं तो 4 प्राइमरी पार्टीशन यहाँ पे बना सकता हूँ। और ये जो मेरे पास जितने भी सारे के दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है डेटा है, लेकिन कुछ डेटा मेरे पे फ्री है, तो देखो यहाँ पे फ्री है, कुछ डेटा आपको यहाँ पे फ्री मिलेंगे, तो ये डेटा मेरा फ्री है, क्लियर। यहाँ पे ऑफसेट है, ये ऑफसेट क्या है, ये सेक्टर नंबर बोलते हैं, ठीक है, सेक्टर नंबर, क्लियर, आप समझ गए। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने आपको बताया 32 बिट डिस्क सिग्नेचर, इसके बाद आगे मैंने आपको बताया डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन कैसे करेंगे, तो कलेक्ट क्रिएट क्रिएशन ऑफ लॉजिकल डिस्क, जैसे कि आप लॉजिकल डिस्क बना रहे हैं, देखो देखो जैसे मैंने लॉजिकल डिस्क बनाया है यहाँ पे जैसे देखिए मैंने एक लॉजिकल डिस्क, देखिए ये लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम है, ठीक है। चेंज ड्राइव पाथ, ये डी है, ये डी ड्राइव है मेरा, क्लियर। यहाँ पे ये पी ड्राइव है, ये ई ड्राइव है, ये क्यू ड्राइव है, ये प्राइमरी पार्टीशन मैंने बना रखे हैं। चाहो तो मैं स्ट्रिंग करके इसको कोई दूसरा पार्टीशन बना सकता हूँ, एक्सटेंड पार्टीशन बन जाएंगे, लेकिन प्राइमरी पार्टीशन 4 ही होंगे, ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन सिर्फ 4 होंगे। इसके बाद में मैं फाइल स्टोर के लिए कुछ और पार्टीशन बना सकता हूँ, बट प्राइमरी 4 ही होंगे, एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं इनको, ठीक है, स्ट्रिंग कर सकता हूँ, बट प्राइमरी 4 ही बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, फाइल सिस्टम मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइज डेटा, सेग्रेटिंग डेटा, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं डेटा को फाइल साइज के अकॉर्डिंग, सिस्टम एरिया, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा डेटा है, जैसे देखिए यहाँ पे मेरा डेटा है, ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा फाइल साइज भी दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो मेरा डेटा, फिर डेट मॉडिफायर, टाइप और साइज, ये क्या है हार्ड डिस्क, ठीक है, ये बिल्कुल साइज डेट मॉडिफायर सब कुछ बताता है, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया फाइल स्टोर अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन, 4 प्राइमरी पार्टीशन तक ही कर सकता है, इसके बाद नहीं होंगे। उसके बाद अगर आपको करना है तो आपको GPT में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और दोस्तों इसके अंदर ये है कि आप इसके अंदर 2 TB तक ही डेटा, 2 TB तक ही हार्ड डिस्क बना सकते हैं। 2 TB का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे देखिए यहां पर मैंने यहां पर जैसे देखो मान लो दोस्तों मैंने ये मेरी हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पे मेरी एक 2 TB की हार्ड डिस्क है, इसको चाहूँ मैं MBR बनाऊँ, GPT बनाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 5 GB की मेरी फाइल है, अब देखो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी मैंने 4 बना सकता है, लेकिन मैं चाहूँ तो जितनी बना सकता हूँ उसके अंदर, 4 बनाऊँ, 5 बनाऊँ, 8 बनाऊँ, कितनी बना सकता हूँ, 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकता हूँ GPT के अंदर। कैसे पता लगेगा कि GPT में है कि MBR में, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज में मैं जाऊँगा तो देखो यहाँ पर GPT लिखा हुआ है, गाइडेड पार्टीशन टेबल। अब GPT के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल मैं MBR के बारे में बता रहा हूँ। मास्टर बूट का मतलब यह है कि सिर्फ इसमें 4 पार्टीशन टेबल बन सकते हैं, मतलब आप जब इसको फॉर्मेट करेंगे, जब इसकी इसको बांटेंगे तो 4 डिस्क साइज में प्राइमरी में बांट सकते हैं। हाँ, इसके बाद अगर आप उसको बांटना चाहते हैं तो यहां से आके आप इसको श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर पार्टीशन कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इस ड्राइव के अंदर पार्टीशन बना सकते हैं, इस ड्राइव के अंदर पार्टीशन बना सकते हैं, बट इस डिस्क के सिर्फ 4 ही प्राइमरी पार्टीशन बनेंगे दोस्तों, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभार प्रॉब्लम होती है, जैसे आप 6 TB की हार्ड डिस्क लिया है, 8 TB की हार्ड डिस्क लिया इंटरनल, और फिर जब आप उसको फॉर्मेट करते हो तो आप बोलते हैं कि सर 2 TB सर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसको MBR में बनाया है, MBR में सिर्फ 2 TB तक सपोर्ट करता है। अगर इससे ऊपर की आप हार्ड डिस्क को सपोर्ट करना चाहते हैं या पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो आपको गाइडेड GPT के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये खास है। GPT के अंदर नहीं करेंगे तो दोस्तों MBR में सिर्फ 2 TB तक ही रहेगा। अब मेरे पास में है नहीं, वरना मैं करके दिखा देता आपको, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्लियर। और MBR में एक प्रॉब्लम ये है कि MBR में जो डेटा है आपका वो रिकवर बहुत मुश्किल से होता है, बट GPT में बहुत जल्दी से रिकवर हो जाता है, क्योंकि उसके जो सेक्टर्स हैं वो डिलीट नहीं होते इतनी जल्दी, और उसके सेक्टर्स के अंदर आपका डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई थिंक आपने समझ गए होंगे डिस्क क्या है, फॉर्मेट क्या है,
हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, एसएसडी कैसे काम करती है, डिस्क प्लेटर क्या होते हैं, ठीक है, सरफेस क्या होता है, रीड राइट हेडर क्या होते हैं, एक्सेट्रा आर्म क्या है, ये सारी चीज आप समझ गए। अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अपन जीपीटी के बारे में, ठीक है। जीपीटी गाइडेड पार्टीशन टेबल, लॉजिकल रेड, लॉजिकल वॉल्यूम्स, फैट, NTFS, ये सारे के सारे कैसे काम करती है, ये आगे के पार्ट में काम करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो गया तो सॉरी, ठीक है, बट इतना तो आपको समझना पड़ेगा, इतना तो काम का है ही वीडियो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक चीज खास ये कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो है काफी सारे कोर्सेज, वीडियोज और PDF और PPTs डाल रखी है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी डाल रखे हैं, जैसे कि OS वगैरह हैं, विंडोज के हैं, लिनक्स मशीन्स के हैं, ठीक है, और भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। तो अभी के अभी जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करिए, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुआओं में याद रखिए, शुक्रिया दोस्तों।